एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैंने अमेज़ॉन से बहुत ही अच्छे अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बाय किए हैं और इनमें कई सारी मतलब स्किन केयर भी है और हेयर केयर है, प्लस साथ ही साथ कुछ मेकअप ब्रशेज भी हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना है, सो होने वाला है, सो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए एंड या चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। सो गाइस, सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो मैंने बाय किया है वो है ये है श्वास को का पावर हेयर लिक्वर मेगा स्ट्रॉन्ग 5। ये है 250 ml का एंड इसकी प्राइसिंग जो है वो है 300 रुपये सिर्फ और सिर्फ। एंड ये मैं बहुत टाइम से इसे लेने वाली थी एंड फाइनली मैंने इसे ले लिया। सो ये है पावर होल 72 आवर्स स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। सो ये आपके बालों को बहुत ही अल्ट्रा होल्ड करके रखता है। ये इसकी मैंने बहुत ही तारीफें सुनी थी, दैट्स वाई मैंने इसे लिया। मैंने पहले पिंक वाला इसका एक आता है उसे लेने का मतलब सोचा था, बट लोगों ने कहा कि ये वाला जो है वो काफ़ी उससे भी ज़्यादा अच्छा है। वो न्यू है लेकिन ये पुराना ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, दैट्स वाई मैंने इसे ही लेना पसंद किया। सो गाइस, नेक्स्ट टाइम पर मैंने बाय किया है ये। सो चलिए मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाती हूँ ये क्या है। सो ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते हैं। सो ये है शीट मास्क। ओके, तो यहाँ पर मैंने बहुत ढेर सारे शीट मास्क बाय किए हैं। मैंने सोचा, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है शीट मास्क, तो मैंने सोचा एक दो लेने से अच्छा है कि एक साथ पूरा कॉम्बो ही क्यों ना ले लिया जाए। सो ये काफ़ी सस्ता भी पड़ जाता है अगर आप कॉम्बो में लेते हो तो। ये है, इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 10 शीट मास्क एंड इसकी प्राइसिंग है सिर्फ और सिर्फ 470 रुपये। सो आई थिंक ये आप लोगों को बहुत ही सस्ता पड़ जाता है अगर आप प्रॉपर डिवाइड करके देख लीजिए कितने का एक पड़ता है। ओके, सो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ ये किस कंपनी का है। सो ये है ब्यूटी मास्किंग ब्यूटी फेशियल शीट मास्क। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक ब्रांड आपका मतलब जाना पहचाना हो तो ही वो वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के भी यूज़ करके देखे हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। एंड यहाँ पर इसमें पोटैटो मिल जाएगा आपको, हनी, देन नेक्स्ट आपको इसमें मिल जाता है राइस, कीवी और कुकुम्बर, देन नेक्स्ट यहाँ पर ग्रीन टी, एलोवेरा, पोमेग्रेनेट और एवोकाडो और साथ ही साथ इसमें आपको मिलता है विटामिन सी। तो इतने सारे शीट मास्क आप लोगों को इसमें एक साथ मिलते हैं और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में पड़ जाते हैं अगर आप इसका कॉम्बो परचेज़ करते हो तो। अगर आप लोग मतलब मैं जो प्रोडक्ट अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ उसमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके लिंक दे रखी, वहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हो। सो गाइस, नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट बाय किया है वो है ये बहुत ही प्यारा कॉम्ब हेयर ब्रश है जो कि है मिस एंड मैम एंटी बैक्टीरियल बैम्बू हेयर ब्रश। तो ये बेसिकली एक हेयर ब्रश है एंड इसकी क्वालिटी यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और हमारा ये ब्रश हेयर ब्रश सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। एंड इसकी प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये मुझे पड़ गया था सिर्फ और सिर्फ 279 रुपीज़ में। एंड यू कैन सी गाइस, ये बिल्कुल मेटल के हैं इसके ब्रशेस, यू कैन सी पास से आप लोग देख सकते हो, बहुत ही प्यारी क्वालिटी है इसकी। एंड ये बैम्बू का बना हुआ है सो बहुत ही प्यारी फिनिश है एंड ओवरऑल मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो गाइस, इसकी MRP की अगर हम लोग बात करें सो वो है 599 रुपीज़। सो यू आप लोगों को मतलब सोच सकते हो कि कितने अच्छे हैवीली डिस्काउंट पर मुझे ये हेयर ब्रश मिल गया है। एंड अगर आप लोग इसे बाय करना चाहते हो तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, इसे आँख बंद करके बाय कर लीजिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इसके साथ मतलब आप कॉम्ब तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आपके मतलब एक बालों में एक ऐसा लगता है लाइक कि आप मसाज कर रहे हो, उस टाइप की फील देता है ये। सो डेफिनेटली आप इसे बाय कीजिए, आप लोग बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। सो चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। सो गाइस, नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बाय किया है ओले डे क्रीम नेचुरल वाइट फेयरनेस मॉइस्चराइजर SPF 24
एंड बहुत ही अच्छा है ये मॉइस्चराइज़र, मैं काफ़ी दिनों से इसे यूज़ कर रही हूँ। ये है 50 ग्राम की पैकेजिंग है इसकी एंड इसमें साथ ही साथ आपको SPF भी मिल जाता है, और अगर इसका कॉम्बो अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, मतलब इसका नाइट क्रीम अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। एंड यू कैन सी ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इसके ऊपर मैं डिटेल में इन डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिस किसी ने भी नहीं देखा हो सो प्लीज़ आप लोग जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पर। एंड गाइज इसकी प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 284 रुपीज़ में, एंड काफ़ी अच्छी है ये क्रीम। एंड इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बिल्कुल माइल्ड सी है, बहुत ज़्यादा सी हैवी काइंड ऑफ नहीं है, एंड बहुत ही डिसेंट सा है ये मॉइस्चराइज़र काइंड क्रीम सम जो भी आप कह लीजिए। और भी कुछ डिटेल्स अगर आप इसके जानना चाहते हो सो जाकर आप लोग मेरे चैनल पर विजिट कीजिए एंड देख सकते हैं, इसका इन डिटेल रिव्यू दिया है मैंने, आई थिंक इसका भी दिया है डे क्रीम का, और साथ ही साथ जो इसकी नाइट क्रीम है उसका भी रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सो गाइज नेक्स्ट है पर मैंने बाय की है, ये बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है एंड मैं फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करने जा रही हूँ, जो कि है व्रिनी हेयर स्कैल्प मसाजर शैम्पू ब्रश। सो लाइक मैं फर्स्ट टाइम मैं इसे यूज़ करूँगी एंड इसकी क्वालिटी एंड ऑल लाइक ऑसम है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है इसकी क्वालिटी। एंड इसकी प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें सो वो है सिर्फ और सिर्फ 255 रुपीज़ में मैंने इसे बाय किया है। सो गाइस बेसिकली इसका जो यूज़ है वो ये है कि आप जब भी हेयर वॉश करते हो उस वक्त शैम्पू लगाने के बाद आपने इसे इस तरीके से ऐसे पकड़ना है एंड इस तरीके से आपने मसाज करना है पूरे स्कैल्प पर, देन उसके बाद अपना हेयर वॉश कर लेना है। इससे होगा कि मसाज के साथ साथ आपके बालों में अगर डैंड्रफ की आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो भी इससे सॉल्व हो जाएगी। सो डेफिनेटली इसे एक बार ट्राई करके देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा वर्क करेगा। और कोई अगर इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में रिव्यू बाद में यूज़ करने के बाद मुझसे पूछना चाहता है सो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं जब भी इसे यूज़ करूँगी उसके बाद मैं आप लोगों से इसका जो भी रिव्यू होगा वो शेयर करूँगी। एंड गाइस यू कैन सी बहुत ही प्यारा वाइट एंड ब्लैक कलर में है, और ये आप लोग देख सकते हो इसका नाम दिया गया है, ओके ब्रांड का जो भी है। सो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्टर्डी भी है, तो टूटने फूटने का भी कोई ऐसा डर नहीं है ऐसे, तो काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी पसंद आया। सो गाइस नेक्स्ट यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट बाय किया है वो है मामा अर्थ टी ट्री शैम्पू विथ टी ट्री एंड जिंजर ऑयल, सो फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर। सो रिसेंटली मुझे थोड़ा डैंड्रफ हो गया है, सो मैं वैसे तो अपने जो भी घरेलू नुस्खे हैं वही ट्राई करती हूँ, बट मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। एंड इसके मैंने रिव्यूज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे देखे थे, तो मैंने सोचा कि ना एक बार इसे ट्राई किया जाए। एंड रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं मामा अर्थ के, एंड मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स जो है मुझे पर्सनली इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ये पैराबिन फ्री होते हैं, SLS फ्री होते हैं, साथ ही साथ ये ऑल स्किन टाइप के लिए इनके प्रोडक्ट्स बेसिकली बनाए जाते हैं, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके स्किन पर या आपके हेयर पर ये सूट करेगा या नहीं करेगा। दैट्स व्हाई मुझे मामाअर्थ के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं एंड ये 100% नेचुरल भी होते हैं। एंड गाइज इसकी जो क्वांटिटी है वो है 250 ml की बॉटल है ये, और इसकी जो प्राइसिंग है वो है 349 रुपीज़। सो या इसे भी मैं यूज़ करने के बाद आप लोगों को बताऊँगी इसका डिटेल में रिव्यू कि ये वर्क करता है या नहीं, या आपके बालों से मतलब डैंड्रफ को रिमूव करता है या नहीं, मैं इन डिटेल रिव्यू भी आप लोगों के साथ इसका शेयर करूँगी। सो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर मैंने बाय किया है BS मॉल्ड का 12-पीस मेकअप ब्रश सेट, एंड मैं यही कहूँगी कि आज तक के जितने भी मैंने मेकअप ब्रश बाय किए हैं उनमें से सबसे अच्छी क्वालिटी इन्हीं ब्रशेस की आई है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं एंड साथ ही साथ ये अफोर्डेबल भी है। एंड गाइस ये इस तरीके की पैकेजिंग में आए थे, एंड कैसी इस तरीके से इसमें एक पाउच भी मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने ब्रश को सारे ब्रशेस को स्टोर करके रख सकते हो, ओके। एंड इसमें 12 ब्रश का सेट है ये पूरा। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को इसकी प्राइस बता दूँ तो मैंने इसे लिया है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में, जी हाँ इसे सिर्फ 1000 रुपये में मुझे मिला था ये 12 ब्रश का सेट। आप
मतलब अगर एक बार इन्हें बाय कर लोगे तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता दूसरे ब्रश बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। आई थिंक 12 ब्रशेज सफिशिएंट होते हैं और भी बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्वालिटी में आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है उनमें, लेकिन इसमें आप लोगों को क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मिलने वाली है। सो यू कैन सी, सो गाइस ये है फाउंडेशन ब्रश एंड बहुत ही प्यारे ब्रशेस है इसके, इतने ज़्यादा हद से ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। एंड ये सिल्वर कलर में मैंने इसे बाय किया है, इसमें ब्लैक कलर भी था लेकिन मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया, दैट्स व्हाई मैंने ये वाला बाय किया। एंड गाइस यू कैन सी इस तरीके का ये फ्लैट ब्रश भी है, देन साथ ही साथ इस तरीके का आप पाउडर ब्रश कह लीजिए वो भी इसके साथ मिल जाता है। और देन नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके का एक ब्रश आप लोगों को इसके साथ मिल जाता है। कई सारे ऐसे ब्रशेस हैं, अब मैं पर्सनली नहीं बता सकती कि कौन सा किस लिए है, हाँ लेकिन इससे आप अच्छे तरीके से अपने फेस को मेरे हिसाब से कॉन्टोर भी कर सकते हो इससे, बिकॉज ये थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से दबा हुआ है, ओके सर चपटा सा ब्रश है, तो यू कैन सी ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा कॉन्टोरिंग में। देन यहाँ पर बहुत सारे आई ब्रशेज दिए गए हैं, देन यहाँ एक फैन ब्रश दिया है और हाईलाइटर, देन गाइज अगेन यहाँ पर एक फ्लफी ब्रश मिलता है आप लोगों को। देन नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से एक स्पूली मिल जाती है साथ में आपको। देन नेक्स्ट यहाँ पर यू कैन सी ये है आई लाइनर लगाने के लिए, ओके देन गाइज यू कैन सी एक ये छोटू सा एक ये वाला ब्रश है इसके साथ। आई डोंट नो किस किस के लिए ये यूज़ होगा, जो जो मुझे समझ आ रहा है मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ, ओके। देन गाइज ये है ब्लेंडिंग ब्रश, एंड सही बताऊँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ब्रश के लिए ये पूरा सेट खरीदा है, मेरे पास ये सारे ब्रशेस थे बट मेरे पास इतना अच्छा ब्लेंडिंग ब्रश नहीं था जो कि इसके साथ आया है। यू कैन सी बहुत ही प्यारा है, एंड इससे मैंने एक बार थोड़ा सा ब्लेंड करके देखा था, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, मतलब मैं कहूँगी इस ब्रश को बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्लेंड करता है आपके प्रोडक्ट को। एंड यू कैन सी गाइस कई सारे मेरे पास जो मेकअप ब्रश मैंने जो बाय किए थे सेट, उनमें जो आते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं, इतने इतने से, तो आप उनसे अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं कर पाते और वो चुभते भी बहुत हैं। एंड यू कैन सी ये बहुत ही आगे तक बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है, जिसकी हेल्प से आपका जो आई शेडो है वो 101% बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड होने वाला है। देन गाइज आपकी आईब्रोज को आप इनसे सेट कर सकते हो, ओके तो ये भी आप लोगों को ब्रश मिल जाता है इसके साथ। देन लास्ट में ये भी एक ब्लेंडिंग ब्रश है बट ये छोटी साइड्स को कवर करने के लिए है, लाइक यहाँ पर अगर आप लास्ट में यहाँ ब्लेंड करना है आपको तो ये छोटा साइज का ब्लेंडिंग ब्रश है, आप उससे यहाँ ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो गाइज अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हो सो डेफिनेटली आग बंद करके इन्हें परचेज कर सकते हो, और अगर आप लोग बिगिनर्स हो तो पहले में ही मेरे हिसाब से तो आपने इस तरीके के मतलब जो ब्रश का सेट है ये खरीद लेना चाहिए, बिकॉज फिर बार बार खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ब्रश एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती है, सालों साल चलने वाली चीज़ है, दैट्स वाई एक बार लीजिए लेकिन अच्छा सा ले लीजिए, एंड क्वालिटी इसकी बहुत ही प्यारी आने वाली है और आप लोग इन्हें चेंज करना कभी चाहोगे नहीं इन्हें लेने के बाद, ट्रस्ट मी बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे। एंड इन्हीं मतलब ये जो BS मॉल करके जो ये कंपनी है इन्हीं का एक और आता है 1200 या 1400 समथिंग कुछ का आता है, उसमें आई थिंक और बड़ा सेट है इससे, ये 12 ब्रशेस का है वो आई थिंक 18 और 24 समथिंग उसमें कुछ ब्रशेस आते हैं, लेकिन उतने ब्रश की मुझे ज़रूरत नहीं थी, दैट्स वाई मैंने ये छोटा वाला परचेज किया सेट, बट इतने भी बहुत ज़्यादा ही है अगर आप लोग मतलब बिगनर्स हो तो सफिशियंट है, आप लोगों को इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज यही था आज का मेरा एक छोटा सा वीडियो, पसंद आया हो सो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, एंड हाँ इसमें से कोई प्रोडक्ट पसंद आता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप इन्हें बाय कर सकते हो।
एंड गाइस साथ ही साथ मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसे ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजर्स, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने पिंटरेस्ट पे से देख देख कर बाय किए हैं। एंड मैं जब उन्हें मैंने सोचा कि जब मैं लूँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत उससे आइडिया हो जाए कि किस तरीके से कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है। मैंने बहुत मेहनत से वो प्रोडक्ट्स मतलब उस पर से ढूंढे थे पिंटरेस्ट पे से, सो वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड बहुत ही अच्छे अच्छे से यूनिक से प्रोडक्ट्स मैंने उस पर से बाय किए, ऑर्गेनाइजर्स बाय किए हैं, सो या उसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।